अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शादी कुमारियान एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट Xiaomi Redmi 4 Prime, या जिसे आप कह सकते हैं Xiaomi Redmi 4 Pro। ये व्यूवर्स Xiaomi की तरफ से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है नवंबर सन 2016 में। व्यूवर्स, आप इसको कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्त सेट या जो कि रिप्लेस करने की कोशिश करता है Xiaomi Redmi 3 को। तो व्यूअर्स, इसमें क्या कुछ नया है, क्या कुछ इसमें पुराना है, क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। व्यूअर्स, सबसे पहले हम आते हैं इसके जो मेन फीचर्स हैं उसमें। 13 मेगापिक्सल कैमरा, 3 GB रैम और 4100 mAh बैटरी है और 6.0 जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का वो यूज़ किया गया। 32 GB जो इसकी इंटरनल स्टोरेज है वो है और माइक्रो SD कार्ड का जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है। आप इसको मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर हम इसके साइज़ की बात करें, वेट की बात करें, वेट इसका है 156 ग्राम, डुअल सिम है इसमें। और अगर हम बात करते हैं कि इसके डिस्प्ले में तो 5.0 इंच इसका डिस्प्ले है। इसके अलावा इसमें मल्टी टच है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पहले बताया कि 6.0.1 इसमें यूज़ किया गया है। और इसके अलावा हम बात करते हैं इसके दीगर फीचर्स के बारे में कि कौन कौन से फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। तो व्यूअर्स, में माइक्रो SD कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं और 256 GB तक आप इसे इसके मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और डुअल सिम है। इसके अलावा प्राइमरी कैमरा इसका जो है वो 13 मेगापिक्सल है और 5 मेगापिक्सल इसका जो सेकेंडरी कैमरा है वो इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें जियो टैगिंग का जो है वो फीचर्स हैं और इसके अलावा टच फोकस है, फेस स्माइल है, डिटेक्शन फेस स्माइल डिटेक्शन मौजूद है, HDR है और पोनोरामा इसका जो फीचर्स हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि लाउड स्पीकर, यस कोई नई बात नहीं है, पहले भी सेट्स में या पिछले सेट्स 3 सीरीज थी उसमें भी यूज़ किया गया था। इसके अलावा इसमें और FM रेडियो है, आप इसे कह सकते हैं ब्लूटूथ, USB जो माइक्रो USB है वो 2.0 कुछ ज़्यादा खास नहीं है, नॉर्मल ही है। सेंसर की बात करें तो फिंगरप्रिंट का सेंसर इसमें मौजूद है, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और इसके अलावा गैरो प्रॉक्सिमिटी एंड कंपास का जो वो ऑप्शन है वो इसमें यूज़ किए, सेंसर जो हैं वो इसमें यूज़ किए गए हैं। और बैटरी अच्छी है, काफ़ी ज़बरदस्त है, 4100 mAh बैटरी है। और अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो व्यूवर्स, ये अवेलेबल है पाकिस्तानी रुपीज़ में 10,000 से लेकर 12,000 या 13,000 तक इसकी प्राइस जो है एस्टिमेट प्राइस हो सकती है। अभी तक ये रिलीज़ नहीं किया गया पाकिस्तान में, चाइना में रिलीज़ किया गया। अगर आप चाइना में मौजूद हैं या चाइना में आपके दोस्त मौजूद है, अगर परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप इसको वेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जिस तरह Xiaomi की प्रॉब्लम्स हैं कि इसका स्टॉक अवेलेबल अक्सर नहीं होता, इसका जो मेन जो उसके रिप्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ें तो हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल बजट में या कम बजट में परचेज करना चाहते हैं तो Xiaomi का ये एक ज़बरदस्त सिस्टम जो है स्मार्टफोन आप परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा व्यूवर्स, मैं आपको बस इतना कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं और अगली वीडियो तक के लिए मेरा इंतज़ार कर सकते हैं। अगली वीडियो में हाज़िर होता हूँ। तो व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।